यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही और ये कहा कि देखिए मैं छिपा हुआ नहीं हूं, कीव में अपने घर पर हूं। यही बात राजेश भी कह रहे थे कि मैसेजिंग की जो कोशिश है, वीडियो बनाया गया, लोकेशन दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, ये बताने के लिए बनाया गया कि हम इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है, इस लंबे युद्ध से क्या जेलेंस्की को फायदा है या कोई और है जिसको इससे फायदा हो रहा है? इसको क्या स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाए या ये माना जाए कि जैसे से युद्ध आगे बढ़ रहा है स्ट्रेटजी जो है वो मॉडिफाई हो रही है? सर बात पूरी कीजिए फिर मैं जाऊंगा इधर। शुभांकर, बहुत जबरदस्त सवाल। क्यों, ये क्या कारण है कि जेलेंस्की कहां से ताकत ले रहा है, इसके पास ताकत कहां से आ रही है? अगर देखे जाए तो इनको भी मालूम है, शुरुआत में ही अमेरिका ने कहा, नाटो ने कहा, सब ने कहा कि हम आपको सैनिक नहीं देंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं देंगे, आपको सहानुभूति देंगे, सहायता करेंगे, जावलिन मिसाइल देंगे, स्टिंगर देंगे, हथियार देंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, पर आपको सैन्य सहायता नहीं देंगे। तो ये जज्बा कहाँ से आ रहा है, ये कौन है जो इस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जेलेंस्की के लिए? लेकिन ये बार बार जो जेलेंस्की लगे हुए हैं अपने दिखाने के लिए कि मैं देश जो है, इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनको उनकी लीडरशिप के ऊपर विश्वास है और लीडरशिप लोगों में भी है, लोगों में भी लग रहा है कि उनमें वो जज्बा है कि हम रूस को रोक। लेकिन जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, रूस दिखाने की कोशिश कर रहा है खासकर यूक्रेनियंस को, जिनको वो समझता है उसका अपना भाग है एक वक्त का, कि जो भी आप संप्रभुता और अपने अखंडता की बात कर रहे हैं अपने बलबूते पे करें, अपने बलबूते पे आपकी संप्रभुता अखंडता मंजूर है, लेकिन दूसरों के बलबूते के ऊपर, दूसरों के उकसाने के ऊपर, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो, उनके उकसाने पर आप जा रहे हैं। सर ये वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस होना इस जज्बे को सलाम करते हुए भी, क्या रशिया इसे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यहां तक पहुंच गया है? इस पर आपका एनालिसिस क्या है? देखिए पहले बात एक समझिए आप कि ये जो मलवा डिस्ट्रक्शन, जो डेब्री दिखाई दे रही है बिल्डिंगों की, ये दोबारा भी खड़ी हो सकती है, ये मटीरियल है। मगर जो जेलेंस्की साहब हैं और यूक्रेन वाले हैं वो अपनी आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं कि क्या नुकसान हो रहा है, उनके अंदर भी वही जज्बा जैसे एक नेशनल्स के अंदर होता है, वो आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी मालूम है उनका बहुत। मगर वो रशिया को, प्रेसिडेंट प्यूटन को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी नहीं चलेगी हमारे ऊपर, हम एक सॉवरन कंट्री है, मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, जेलेंसी का ये मैसेज आ रहा है, इसलिए वो कह रहे मैं भागा नहीं, मैं अश्वरघानी नहीं हूं, जब मैं दूसरे देशों वाला नहीं हूं तो मैं तो यहां पे हूं और लड़ूंगा वो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंटेंसिफिकेशन होगी। ये इसको लेकर मैंने जीडी बख्शी सर सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो युद्ध रशिया ने शुरू भी नहीं किया सही तरीके से, जब वो अपनी बमबारी करेंगे उसका असर अलग होगा।